दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज़, और आज का जो वीडियो है, ये आज के वीडियो में बनाएंगे हम एक यूज़र फॉर्म, और यूज़र फॉर्म में डिज़ाइनिंग के साथ बनाएंगे, और एम्प्लॉय की एंट्री वगैरह, आप डेटा को कैसे सेव रखें उसके लिए यूज़र फॉर्म होगा, जिसमें फ़ोटोज़ वगैरह भी होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल आप आखिरी तक देखें, और वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें दोस्तों में। और इसी तरह के वीडियोज़ हमारे और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला काम आपने करना है, आपने अपनी फाइल को सेव करना है, और मैं इसको आपको, जब भी आप सेव करें तो जो आपकी फाइल का नाम होगा, जैसे मैंने लिख दिया एम्प्लॉई फॉर्म, एम्प्लॉई एंट्री यूज़र फॉर्म, मैं डेस्कटॉप में से सेव कर रहा हूँ। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, सेव एज टाइप। बहुत से लोग गलती करते हैं, फिर बोलते हैं भैया ये सेव नहीं हुआ। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, और एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक। इसका मैं बता दूँ आपको, जो हम यूज़र फॉर्म बनाते हैं ये मैक्रो में बनते हैं। अब आपने क्या कर रखा है कि मैक्रो वाली फाइल सेव नहीं कर रखी है, तब वो दिक्कत आ जाती है। तो मैक्रो एनेबल वर्कबुक में आपने इसको सेव कर लेना है, और सेव कर लिया आपने। अब इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि भैया ये डेवलपर नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या है, फाइल में आपने आना है, ऑप्शन में आपने आ जाना है, यहाँ से कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे एक डेवलपर टैब होता है। अच्छा, मैं आपको तीनों के बारे में बता दूँ। जैसे एक्सेल 2007 में थोड़ा सा अलग होता है, बाकी 10, 13, 16, 19 सब में लगभग सिमिलर होता है। तो यहाँ से हमने इसको लगाना, हटाना, ओके कर देना। अगर एक्सेल 2007 है तो आपने यहाँ पे जो ऑफिस लोगो में क्लिक करना है, एक्सेल ऑप्शन में आपने यहाँ पे भी आना है, कस्टमाइज, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे ऊपर है पॉपुलर, कस्टमाइज में आने की ज़रूरत नहीं, पॉपुलर में ही आके शो डेवलपर टैब इन रिबन, इसको एक चेक करना है, ओके कर देते हैं। फाइल हमारी सेव हो गई है, हमने डेवलपर टैब भी ओके कर लिया है। डेवलपर टैब में मोस्टली यहाँ पे कोडिंग का होता है, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये कोडिंग का है, जिसमें है विजुअल बेसिक मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, मैक्रो सेटिंग। अब हमने इसमें एक सेटिंग और करनी है, मैक्रो सेटिंग में हम आएंगे, और यहाँ पे हमने मैक्रो सेटिंग को कर लेना है एनेबल ऑल मैक्रो, ट्रस्ट करके इसको ओके कर देना है। इसका मतलब ये है, अगर आपने यहाँ मैक्रो सिक्योरिटी डिसेबल कर रखी है तभी भी मैक्रो नहीं चलेंगे, उसमें यूज़र फॉर्म ओपन नहीं होगा, मैक्रोस क्योंकि हमने बंद कर रखे हैं वहाँ पे, तो इसको हमने ओके कर लिया। अब हम चलते हैं यूज़र फॉर्म में, यानी विजुअल बेसिक में। तो पहले हमें देख लेना हमने कितने यहाँ पे हेड लिए हैं, ये हमने 16 हेड लिए हैं, यानी टोटल 16 है इसमें, और इसका हम विजुअल बेसिक में हम चलते हैं। विजुअल बेसिक में आप आएंगे तो यहाँ पे आपका, आप देखेंगे ये एक्सेल व्यू, एक्सेल यहाँ पे इंसर्ट यूज़र फॉर्म सेव, बाकी ये उसी कुछ ऑप्शन है इसके, और ये कुछ मेनू में कुछ ऑप्शन है। अभी हमने इन सब के बारे में नहीं जानना, ये हमारा प्रोजेक्ट के बारे में, जो हमारी शीटें हैं, और ये दिस वर्कबुक, ये हमारी वर्कबुक है, नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। अब हमने करना क्या है, सिंपल यहाँ से इंसर्ट से यूज़र फॉर्म ले लो, या यहाँ से यूज़र फॉर्म ले लो, बारह लिए यूज़र फॉर्म है, इसमें हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पे फॉर्म खुल के आ गया, बन के आ गया ऑटोमेटिक, और इसका साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, चौड़ाई लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसके बारे में आपका क्या होगा कि जैसे ही आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ नीचे देखेंगे तो सारी डिटेल इसके बारे में दिखाएगा, भाई इसकी विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, सब इसके बारे में आपको दिखाएगा। अब हमने करना यह है कि इसको एक थोड़ा सा हमने इसको बड़ा कर लिया, ये इसका टूल बॉक्स है जहाँ पे इसके सारे टूल हैं। जैसे ये हमारा पहला है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है हमारा लेबल, लेबल ले लिया हमने, और एक हम ले लेते हैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स, और ये हो गया हमारा कॉम्बो बॉक्स, और एक ले लिया हमने लिस्ट बॉक्स, और एक हमने ले लिया कमांड बटन। अब सब चीज़ों का काम अलग अलग होता है। अभी
इसमें जैसे आपने देखा ये लेबल है, यानी कि इसमें हमने जैसे यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय आईडी, और ये बॉक्स है इसके अंदर वो एम्प्लॉय आईडी लिखी जाएगी। अब हमने करना ये है सबको इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो इनका फॉन्ट साइज हम देख लेते हैं। यहाँ से हमने फॉन्ट साइज में फॉन्ट में क्लिक किया, साइज हम चाह रहे हैं 10 आ जाए और फॉन्ट हमारा मान लीजिए ये आ जाए, कोई एक आपके पसंद से आपने फॉन्ट ले लिया। सबसे पहले हम इसको ले आते हैं ऊपर एक को, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट किया, तो इसको ले लिया हमने ऊपर। ये हमने ऊपर इसलिए ले आ रहे हैं जिससे हम इसकी हेडिंग बना सकें ऊपर की। हमने इसकी चौड़ाई इतनी कर ली और यहाँ पे क्लिक कर लें आप, या इसमें क्लिक करके यहाँ पे कैप्शन है यहाँ पे लिखते हैं स्पेस दे के एम्प्लॉई एंट्री फॉर्म। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका साइज हमने 20 कर लिया, बोल्ड कर लिया। अब इसको हमने कलर कर लिया, जैसे हमने ग्रीन कलर कर लिया, यहाँ से इसको वाइट कलर कर लिया, जो आपको कलर अच्छा लगता है उस हिसाब से आपने कलर कर लेना है। अभी हम अभी हमें करना यह है कि हमें यहाँ पे नीचे डिज़ाइनिंग करनी है। पहले तो ये हमने नीचे लिस्ट बॉक्स हो गई, बॉक्स हो गया जहाँ पे इसको हमने बड़ा कर लेना है। ये उस हिसाब से जो जो भी डाटा यहाँ पे एंटर करेंगे वो यहाँ पे आता रहेगा। अच्छा, इसमें हमें एक फ़ोटो का लेना है, तो फ़ोटो को लिया हमने, इधर हमने ये फ़ोटो ले लिया। कमांड बटन ये हमने फ़िलहाल यहाँ रख लिया। अब हमें किसी इसकी टूल बॉक्स की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं, यानी इनसे ही हम इनकी कॉपी वगैरह करेंगे। पहले हमने यहाँ पे लिखा, इसमें हमने लिख दिया एम्प्लॉई आईडी, ये हो गया हमारा EMP ID, यानी एम्प्लॉई की आईडी हो गई, और इसके आगे ये हमने बॉक्स रख दिया। या फिर हम इसको उसी अंदाज में लेना चाहते हैं तो EMP ID, और यहाँ पे हमने इसका एक ये डिज़ाइन ले लिया। अब ये हमारे टोटल जो हैं 16 है, यानी 16 है, तो 16 के आधार पे हम इसको इस हिसाब से वो करेंगे कि इसका ये हमने ले लिया एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे ये आ गया। इसके नीचे हम एक कॉपी इसकी करते हैं। अब हमने क्या करना, देखें ये लेबल है, इसके नीचे अंडरलाइन लेके आनी, तो लेबल जो है इसको हम यहाँ से करेंगे बॉर्डर स्टाइल से, सिंगल बॉर्डर दे दीजिए आपसे, और बॉर्डर का कलर ये हो गया, या बॉर्डर ना भी दें तो आप इसका यहाँ से ब्लैक कर लीजिए, और इसकी जो यहाँ पे हाइट है इसको 1 कर लेते हैं, तो आप देखेंगे वो अंडरलाइन टाइप का दिखने लग गया, और हाइट अगर 10 कर लें तो वो उसी हिसाब से चौड़ाई लंबाई उसकी दिखाई देगी। हमने यहाँ पर लिया इसको इतना ले लिया, अब इसका 1 कर लिया, और ये वाला जो है हमारा, जो हमारा स्टैम्प, ये जो हमारा स्टैम्प पे टेक्स्ट बॉक्स है, देखें इसको बोलते हैं लेबल, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स, और ये नीचे वाला भी लेबल। तो टेक्स्ट बॉक्स को क्या करेंगे हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, यहाँ से सिंगल, और इसको नन कर लेंगे, तो क्या होगा ये दिखाई नहीं देगा, वो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से प्ले करते हैं हम, तो आप देखेंगे वो इस टाइप से लगेगा जैसे यहाँ लिख रहे हैं। अच्छा, इसको हमने अब इसको करना है कॉपी। फिलहाल मैं इसको जो है ट्रांसपेरेंट नहीं करता हूँ अभी, इसको हमने करना है यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेंगे आप। तो पेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि इसी के नीचे हम यहाँ पे इसे ले आएंगे, या तो हम कंट्रोल और अल्ट के साथ इसको पकड़ेंगे, शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना आपने। ये हमने इस तरीके से, ये 1 2 3 4 हो गया, इसको आपने सेलेक्ट किया कंट्रोल अल्ट के साथ पकड़ के इधर ले लिया, इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं या रखते हैं इसको, अब इधर रख लेते हैं कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी।
अच्छा पहला है एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद ले लेते हैं ईएमपी नेम, डेजिग्नेशन, और यहाँ ले लिया हमने सैलरी पैकेज, मोबाइल, और इसके बाद ईमेल, डेट ऑफ जॉइनिंग, ओटी, अब यहाँ पे बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, लोन्स, ये हमारी कुछ जानकारी है जो आपने यहाँ पे जो भी आपके फील्ड हैं वो आपने ले लेना है, बेसिक एचआरए, कन्वेंस, जेंडर, और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस। तो आपने देखा ये हमने पूरे इसमें बना लिए। अब हमें करना यह है, हमें जो है मैरिटल स्टेटस जो है इसको डिलीट कर लेते हैं, इसकी जगह हमें ये कॉम्बो बॉक्स चाहिए। जेंडर में भी हमें कॉम्बो बॉक्स चाहिए, तो इसको अल्ट कंट्रोल के साथ यहाँ से बोल के, ये थोड़ा हमारा डाउन हो गया, अभी ठीक है। तो इसमें सजावट करने का हमने जैसे ये सब ले लिया, देखें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन में भी हम ये ही ले लेते हैं, डेजिग्नेशन ले लिया हमने, मोबाइल, ईमेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ओटी, ओटी में हम ये ले लेते हैं ओटी, और लोन्स, ओटी में यस नो लेना है हमने, यस नो करने के लिए कि ओटी के लिए एलिजिबल है या नहीं, और ये हो गया लोन, बेसिक अकाउंट, मैरिटल स्टेटस की जगह अगर हम खाली स्टेटस लगा दें जिससे कि भाई ये अवेलेबल है या नॉट अवेलेबल है। अभी इसको क्या करते हैं, इनको हम सेलेक्ट किया हमने, और इनको भी हमने यहाँ से सिंगल किया, इसको नन कर लिया। तो यहाँ से हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन होगा शो ड्रॉप बटन, इसको इसको पहले तो हम चौड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। शो ड्रॉप बटन नेवर वैन फोकस, तो वैन फोकस में हम इसको कर लेंगे, तो उससे क्या होगा जैसे ही हम इसमें फोकस करेंगे तभी ये बटन बनेगा। अच्छा अभी हमने करना यह है कि इसमें ये टेक्स्ट बॉक्स वन है तो इसका नाम रख लेते हैं, शॉर्ट करने के लिए जैसे डी वन, डी टू, डी थ्री और डी फोर, डी फाइव, डी सिक्स एंड डी सेवन, यहाँ पे नेम, और इसको नाम इस तरह से रखना है कि उसमें अंडर स्कोर वगैरह या मतलब सॉरी स्पेस वगैरह इस्तेमाल नहीं करना आपने। डी एट, एक नाम दोबारा नहीं आएगा उसमें, और आगे हमारा डी नाइन, डी टेन, डी इलेवन और 12, 13, 14, 15 और यहाँ पे D16। सबसे पहली बात है कि ये हमारा काम है डिज़ाइनिंग करना, तो जब हम इसको अब चला के देखेंगे तो आप देखें इस टाइप से आ रहा है। अब इसका बैकग्राउंड का कलर भी हम उसी के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं इसको कलर, अभी करना ये है थोड़ा सा इसकी चौड़ाई इसकी और बढ़ा लेते हैं, इसको बल्कि चौड़ाई सही है इसकी, नीचे और इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा,
अब ये वाला जो कमांड बटन है इसको यहाँ रखा हमने, सेव, रिसेट, क्लोज और एडिट। इसमें इन सबको सेलेक्ट करके इनका फॉन्ट, हमेशा जो है डिज़ाइनिंग का तरीका यही रहता है कि जो बॉर्डर का फॉन्ट है, इसका फॉन्ट का जो कलर है वो हम ग्रीन कर लें, और इन सबको यहाँ से ग्रीन कर लेंगे, और इनका जो टेक्स्ट है वो वाइट कर लेंगे। वाइट एंड ग्रीन, तो आप देखेंगे ये हमारा पूरा वो बन गया। अब इसमें काम है कोडिंग करने का। पहला काम, इसका जो कमांड बटन है इसका नाम रख लेते हैं CMD, यानी कमांड बटन ऐड फोटो, यानी ये इसमें, अब इसका नाम है Image1, इसमें ये ऐड फोटो करेगा। इसका दूसरा जो हो गया CMD सेव, ये क्या होगा, डेटा को सेव करेगा। और इसका नाम हो गया, पहले इन पे यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐड सेव, रिसेट, और ये हो गया क्लोज, एडिट, और इसका नाम हो गया ऐड फोटो। तो ये ऐड फोटो का काम करेगा, ये सेव कर लेगा पूरे डेटा को, ये रिसेट कर देगा फॉर्म को, सारा क्लियर कर देगा, ये बंद कर देगा, और यहाँ पे हम एडिट जो करेंगे इसमें से जो सर्च करेंगे उसके हिसाब से एडिट करेंगे। अच्छा, अब नीचे वाले में हमने इसमें बॉर्डर लगा लेना सिंगल, ठीक है। अब इसका नाम हमने रख लिया CMD सेव, इसका नाम रख लेंगे CMD रिसेट, यानी कमांड बटन है, और ये हो गया CMD क्लोज, और ये है हमारा CMD एडिट। तो अब सबके नाम रखे जा चुके हैं, अब इसका यूज़र फॉर्म हमने यहाँ से हटा लिया। अब नंबर आता है कोडिंग की शुरुआत करने का, तो यहाँ से हमने नाम रखा D1 और ये है 16। तो पहला काम, हम यूज़र फॉर्म में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीछे एक कोडिंग की मेनू आ गई, जहाँ पे प्राइवेट सब यूज़र फॉर्म _ क्लिक, यानी यूज़र फॉर्म में क्लिक होने के बाद जो हम यहाँ कोड लिखेंगे वो काम करेगा। अब हम यूज़र फॉर्म में क्लिक की जगह हम ले लेते इनिशियलाइज, यानी जब इसको शुरू करें, क्लोज को हमने ख़त्म कर दिया। अच्छा, इसमें इनिशियलाइज में हम चाह रहे हैं डेजिग्नेशन D3 और D15, D16। पहले D3 में आ जाते हैं, तो हमने यहाँ लिखा D3.list बराबर अरे। अब हमने लिख लिया, जैसे यहाँ पे लिख लिया, जैसे कि हमने मैनेजर कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लिखना है आपने, ड्राइवर, और यहाँ लिख लिया स्टेनो, और इसके बाद अकाउंटेंट, ब्रैकेट क्लोज कर। तो आप, अब हम इसको देखें, यहाँ से जब चलाएंगे या इसमें डबल क्लिक कर दें फिर यहाँ से चलाएंगे, बात वही है। अब जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो मैनेजर, ड्राइवर, स्टेनो यहाँ आने लगे, ये आप यहाँ से अब सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अब है OT, यानी D8, और है D11। तो अब हम क्या करेंगे, D8.list बराबर अरे यस नो। तो यहाँ से आप देखेंगे कि डी उसमें भी यस नो का ऑप्शन आने लग गया। अब नंबर आता है लोन का, तो लोन है 11, तो 11 में हम ले लेते हैं, तो हम इसको ही कॉपी करेंगे यहाँ से, नीचे हमने कर्जा रखा, एंटर मार के यहाँ पेस्ट कर लिया, D11 में हमने ये ले लिया, तो D11 में और D8 में हो गया। अब इसके बाद है जेंडर, D15, D15 के लिए भी हमने यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर लिया, या लिखा D15, इसमें लिख लिया
मेल, यहाँ लिख लिया फीमेल। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे सिलेक्शन में यहाँ मेल फीमेल आने लग गया। अब स्टेटस यानी D16, इसमें भी हम ले लेते हैं, इसके नीचे आए हम, इसको पेस्ट किया, D16 में हमने ले लिया के एक्टिव इनएक्टिव। तो हमने दो ऑप्शन ले लिए यहाँ के, भाई ये एम्प्लॉय जो है अब एक्टिव है या इनएक्टिव है। अच्छा, अब इसके बाद ये सब हमने इसमें ले लिए, अब इसके बाद है इसमें फ़ोटो कैसे ऐड करना। उससे पहले हम चाह रहे हैं इसमें जैसे हम यूज़र फॉर्म शुरू करें तो पहला कर्जर हमारा जैसे एम्प्लॉय आईडी में आ रहा है, जब हम इसमें एंटर दबाएं या टैब लें तो कहाँ पे जाए, अभी कहाँ है पता नहीं चल रहा हमें, कहाँ जा रहा, बहुत देर बाद यहाँ पर आ रहा। तो इसके हम टैब इंडेक्स मैच करेंगे, सबसे पहले इसमें क्लिक करेंगे या नीचे आ जाएंगे टैब इंडेक्स, जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है इसको 1 कर लेंगे, इसके बाद ये इसको 2 करेंगे, इसी तरह से इसी क्रम में 3, 4, 5, 6, 7 आपने कंटिन्यू इसको कर लेना। अब आप देखेंगे यहाँ से हमारा ये सीधे उसी क्रम में चलेगा। तो ये हमारे इसमें टैब इंडेक्स हमने ले लिए। अच्छा, इसके बाद अब हमने कोडिंग करनी शुरुआत करनी है, तो ये जितने भी हैं हमारे ये वाले, इनको भी हमने सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंट कर लिया, इनको सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंट कर लिया एंड इनको भी ट्रांसपेरेंट कर लिया, ये सब हमने ट्रांसपेरेंट कर लिया। और जो यूज़र फॉर्म का बैक कलर है, ये जैसे हम यूज़र फॉर्म का बैक कलर भी हम इसको वाइट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्लिक हो रहा है। ये हो गया हमारा डिज़ाइनिंग, प्लस नेम रख लिया हमने और इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग कर ली। अब पहला काम हमारा है कि जब हम यूज़र फॉर्म शुरू करें तो एम्प्लॉई आईडी का एक नंबर पहले से आ जाए, यानी उसका जो है मैक्सिमम नंबर आ जाए, यानी यह है हमारा D1। तो हम इनिशियलाइज़ करते हुए हमने बोला कि D1 बराबर वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, यानी मैक्स का फॉर्मूला वर्कशीट में लगे। कौन सी शीट है हमारी, शीट पहली है ना जिस शीट में हम कर रहे हैं, और एम्प्लॉई जो है वो पहले ही उसमें है ए कॉलम में। तो हमने यहाँ ले दिया कि ए जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें प्लस हो जाए 1। अब हम शुरू करेंगे, मैक्स के बाद हमने यहाँ ले लिया शीट 1 की रेंज, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। शीट 1 की रेंज, तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 आ गया। अगर हमारे पास यहाँ 5 एम्प्लॉई जुड़े हुए होते हैं, 101, 102, 103, 104, तो आप ये देखेंगे कि उसमें जब हम इसको प्ले करेंगे तो वो 105 ही आएगा, यानी उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आगे बढ़ा देगा। अच्छा, ये हमारा इसमें ये हो गया। अब देखें कोडिंग शुरू करते हैं हम, इसमें सबसे पहली कोडिंग हो जाएगी हमारी ऐड फोटो की। ये देखें इसका नाम है इमेज 1 और ये है CMD ऐड फोटो। तो
ऐड फोटो में डबल क्लिक किया तो इसके लिए कोडिंग मांगेगा। इससे पहले हम यह ले लेते हैं डिम, जैसे एस पाथ एज स्ट्रिंग, यानी ये पाथ जो है ये इसमें हमें कई जगह देना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आ जाते हैं, हम यहाँ शुरू करते हैं एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग। सबसे पहले इसमें हम क्लिक करें, फाइल डायलॉग में MSO फाइल ओपन हो जाए, ओपन और अलाउ मल्टी सेलेक्ट बराबर फाल। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो अभी इसमें जो है फाइल जो है ओपन होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगला नंबर आता है कि हमने यहाँ ले लिया, इससे पहले एक वो ले लेते हैं डिम ए एज स्ट्रिंग, ए बराबर एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग MSO फाइल ओपन डॉट शो, वो शो भी करो एंड, और उसका जो है फॉर्मेट हमने ले लिया डॉट JPG। तो यहाँ तक क्या होगा, ये हमारा ब्राउज होना शुरू हो गया। अब ये हमने ये ले लिया, और देखें इसमें str path ये हमें बताना होगा कि str path क्या है इसमें, s path बराबर application dot file dialog mso file open dot selected item one, यानी जो हम एक सेलेक्ट करेंगे वो str path हो गया। अब हमने दे दिया image one dot picture, यानी इसमें जो पिक्चर है बराबर लोड पिक्चर बराबर एस पाथ, और इमेज वन डॉट हमारा हो गया इसमें फाइल वो, यानी के डॉट पिक्चर साइज मोड बराबर वन कर लेते हैं इसका, सिर्फ इतना ही। अभी इसमें देखें एरर आने की भी गुंजाइश है, क्योंकि अगर आप JPG फाइल नहीं लेंगे तो वो एरर देगा। तो फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं, ऐड फोटो में हम क्लिक करेंगे तो जैसे हमने अटेंडेंस ये लिया तो वो आपने देखा यहाँ पर फोटो वो दिखने लग गया। अगर हम इसमें एडवांस ये ले लें तो वो उसने हमें एरर दे दिया, क्योंकि क्या है कि इमेज में ये फिट नहीं बैठने का, क्योंकि इमेज में तो फोटो ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोड और लिख लेंगे ऊपर, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यानी एरर आने की स्थिति में वो रिज्यूम हो जाए, और इमेज वन डॉट पिक्चर बराबर लोड पिक्चर, और इसको दो बार इन्वर्टेड को मिला, यानी हमने लिया ये पिक्चर ऐड करी फिर दोबारा लिया, तो अब हम जब ऐड करेंगे तो वो ऐड ही नहीं होगा, पुरानी वाली पिक्चर हट जाएगी। तो ये पिक्चर ऐड करने का कोड। अच्छा, अब हमने D1 से लेके और D16 तक को कोड करना है। ऐड सेव में हमने डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे पहले तो हमें डिफाइन करना होगा, हमें देखना होगा लास्ट, यानी देखें इसको हम जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे लास्ट रो कौन सी है। तो यहाँ पे है A10, तो A10 के अकॉर्डिंग ही पूरा डेटा वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। फिर जब A10 फुल हो जाएगी तो फिर A11, फिर A12। तो हमें ये देखना है कि सबसे आखिरी रॉ कौन सी है, तो उसके लिए हम क्या करें, फिलहाल मैंने वो डिलीट कर दिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिम लास्ट रॉ एज लॉन्ग, ये पहले तो हम ये लिखेंगे। अब हमें देखनी पड़ेगी कि लास्ट रॉ कौन सी है, तो लास्ट रॉ, या इससे पहले हम एक और डिफाइन कर लेते हैं, डिम डब्ल्यू शीट एज वर्कशीट। तो हमारी जो वर्कशीट कौन सी है, तो उसको करेंगे हम सेट डब्ल्यू शीट बराबर शीट वन, जैसे हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शीट वन है। अच्छा, इसके बाद आते हैं लास्ट रो, लास्ट रो बराबर डब्ल्यू शीट की रेंज, अब कौन सी रेंज है, ए ले ली हमने,
ये रेंज हो गई। अब इसका लास्ट वाला वो देखना है, तो उसके लिए कोड ये होगा एंड रोज डॉट काउंट, यानी रो को काउंट करें, डॉट एंड लास्ट में आ जाएं। इसका तरीका ये भी है, जैसे हमने यहाँ से आए ये लिया एक बार, जो कंट्रोल के साथ एरो की दबाते हैं ना, जैसे कहीं पे भी हैं तो लास्ट उसमें आ जाते हैं, फिर दोबारा दबाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, फिर अप करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे। तो ऊपर यहाँ पे हम आ गए, डॉट एंड एक्सेल ऐप डॉट रॉ। तो इसमें हमने, इसने हमें बता दी ये वाली रॉ है। जब हम अप आए, जैसे मैं एक बार आपको बताऊं कि हमने यहाँ से कंट्रोल और नीचे की एरो की दबाई, तो यहाँ पहुँचे हम, अब दोबारा दबाएंगे तो लास्ट में एंड में आ जाएंगे, फिर अप दबाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ गए हम, जबकि ये लास्ट रो नहीं है। तो लास्ट रो में प्लस वन कर देंगे, यानी उसमें एक रो जुड़ जाए। अच्छा, अब इसके बाद विद डब्लू शीट, यानी डब्लू शीट के अंदर अब इसको एंड विद भी करेंगे, डॉट सेल्स। डॉट सेल्स जब हम लेंगे तो वहाँ हमें ये देना पड़ेगा कि रो नंबर और कॉलम नंबर। देखिए, ऐड करने का ये एक तरीका है कि हमें रो नंबर बताना है, इसको कॉलम नंबर बताना। तो रो नंबर जो है हमारा वो लास्ट रो बताएगी, कॉलम नंबर जो बताएगा वो हमारा है कॉलम नंबर वन। डॉट वैल्यू बराबर डी वन डॉट टेक्स्ट, तो इसकी हमने अब कॉपी कर लेनी है 16 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, इसके बाद इसके नंबर बदल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 नंबर ही हमारे हो गए। अच्छा, इसके बाद हमने लास्ट में क्या किया कि दिस वर्कबुक डॉट सेव, और अन मैसेज आ जाए डेटा सेव्ड, अनलोड मी। अनलोड मी का मतलब हो गया कि ये फॉर्म बंद जाए और यूज़र फॉर्म वन डॉट शो, वो फॉर्म दोबारा खुल जाए। तो ये कोड हो गया। अब हम एक यहाँ नाम की एंट्री करते हैं, जैसे यह नाम लिखा हमने परवेज आलम, और यहाँ से लिख दिया भाई अकाउंटेंट 15,000, ईमेल जैसे हम कुछ भी ईमेल आईडी लिख देते हैं अपनी, डेट ऑफ जॉइनिंग 1/1/2020, ओटी यस बैंक एसबीआई, अकाउंट नंबर लोन यस, बेसिक पे 10,000, एचआरए मान लो 2,000, कन्वेंस 3,000, जेंडर मेल, स्टेटस एक्टिव, फ़ोटो। अभी हमने फ़ोटो सेव करने का नहीं बनाया, तो फ़ोटो लेने का कोई ऐसा वो नहीं, फ़ोटो लेना चाहे ले सकते हैं। तो ये हमारा फ़ोटो आ जाएगा, इसको हम ऐड सेव करेंगे तो आप देखेंगे डेटा सेव, और बैकग्राउंड में आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 2 आ गया, और बैकग्राउंड में देखेंगे ये डेटा यहाँ पे सेव होके आ रहा है। अच्छा, अब हमें फ़ोटो को भी सेव करना है, तो हम क्या करेंगे इससे पहले, यानी वर्कबुक से पहले इससे हम क्या करेंगे, फाइल कॉपी एस्पात कोमा सी के अंदर फोटो के अंदर एंड हम यहाँ ले लेते हैं कैप्चर, यानी डी वन डॉट टेक्स्ट एंड डॉट जे पी जी ये हमने कर लिया। अच्छा, इसमें हमने जे पी जी लिया है, डॉट जे पी जी यहाँ पर भी आ गया। अब डी वन के हिसाब से जो भी जे पी जी के नाम से सेव हो जाएगा वो उस सी ड्राइव के अंदर, लेकिन सी ड्राइव के अंदर फोल्डर होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए भी हम इसमें
एक कोड बना लेंगे, वो शुरू में बना लेंगे। ठीक है, ये जेपीजी के अंदर सेव हो जाएगा फोटो के अंदर। अब यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज करते समय हम नीचे कोड लिख देंगे कि mkdir मेक डायरेक्टरी सी ड्राइव के अंदर फोटो और ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, क्योंकि हर बार तो फोटो का फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक बार बना देंगे तो बता देगा कि भाई यहाँ एरर दे देगा। तो हम जैसे क्लिक करेंगे फोटो का फोल्डर हमारे सी ड्राइव में यहाँ पे फोटो का फोल्डर बन जाएगा। ये फोटो ये फिलहाल पहले से बना हुआ है। अच्छा, इसको अगर हम डिलीट भी कर दें तो जब हम इसको शुरू करेंगे फिर बन जाएगा ये। अब हम देखेंगे सबसे नीचे फोटो का फोल्डर बन गया। तो ये फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर हमने कोई फ़ोटो ले लिया एम्प्लॉय का, ये हम अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा। अब आप फोटो के फोल्डर में चलते हैं, हम उसके हिसाब से ये सेव हो जाएगा हमारा। तो ये फ़ोटो हमारा यहाँ पे सेव हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारा डेटा काम करने लग गया ऐड सेव के लिए। रिसेट, रिसेट में हमने छोटा सा कोड लिखना है अनलोड मी और यूज़र फॉर्म 1.show। अनलोड जो है बंद करने के लिए, क्लोज में लिखना हमने अनलोड मी। देखिए क्लोज में क्या हुआ, अनलोड मी यानी सिर्फ बंद हो जाए, रिसेट में क्या है बंद हो जाए और यूज़र फॉर्म शो हो जाए। अब नंबर आता है एडिट का और ये नीचे लिस्ट बॉक्स का। तो पहले हम लिस्ट बॉक्स में डेटा लेके आते हैं। तो लिस्ट बॉक्स में डेटा कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हम एक्सेल में चलते हैं। हमने ये पहला जो कॉलम है इसको कर लिया है कलर बोल्ड और बॉर्डर, यानी हमें हेडर बना लिया हमने इसको। हेडर बनाने के बाद अब ये नीचे का डेटा जितना भी है ये हमें उसमें लिस्ट बॉक्स में चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में आएंगे, नेम मैनेजर। देखिए ये आपने थोड़ा ध्यान से देखना है, न्यू में आ जाएंगे, इसमें हमने एक जगह का नाम रखना है डेटा और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखें इसको कर लेते हैं हम बड़ा, बराबर ऑफसेट ब्रैकेट, ये वाला सेल ऑफसेट फॉर्मूला जो होता है ना ये एक रेंज बनाने के लिए होता है। इस वाले सेल में कोमा 1, 0, कोमा 1, 0 का मतलब यह है पहले ये पूछता है रो नंबर कहाँ से चाहिए, तो हमने क्या एक नीचे से, कॉलम सेम चाहिए तो कॉम 0 सेम, कोमा काउंटा, काउंटा गिनती करेगा ये पूरे वाले पूरे कॉलम की ए में जितने भी नंबर हैं। तो अब इसमें हमारे 1, 2, 3 हमें सीधे दिख रहे हैं 3 हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे माइनस, अब इसमें माइनस कर लेंगे अगर इसके ऊपर कुछ ना लिखा हो, क्योंकि इस जगह आप लिखेंगे तो वो माइनस हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो माइनस के बाद फिर हम काउंटा लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कोमा। तो ये हो गया हमारा एक इसकी हाइट। अब विड्थ के लिए हमें चाहिए 16 कॉलम। जैसे हम इसको ओके करेंगे ये आप देखेंगे ये नाम रखा गया और इसमें जैसे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो उतनी जगह हाईलाइट हो रही है जितनी जगह हमारा ये डेटा है। ठीक, अब हम यूज़र फॉर्म में चलते हैं, यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे डेटा जो हमने नाम दिया। अब हमने डेटा नाम तो रख दिया और यहाँ दे दिया लेकिन ये यहाँ पे आ नहीं रहा, तो इसके लिए
इसके लिए क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, इसके कॉलम करेंगे 16, तो 16 कॉलम हो गए। तो एडिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स जो है यहाँ से ही कॉपी करके ले आते हैं। इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। अच्छा, एडिट और टेक्स्ट बॉक्स 1। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 में इसकी आईडी नंबर लिखेंगे। तो इसका लिस्ट बॉक्स में हम जब भी सेलेक्ट करें, हम चाह रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में वो नंबर आ जाए, तो ये है टेक्स्ट बॉक्स 1। इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 बराबर लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम 0, यानी पहला कॉलम। तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 2 1 2, ये 1 2 आ रहा है, ये वाला ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब नंबर आता है इसको एडिट करने का, तो एडिट करते समय हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। एडिट का कोड जो होगा ये हमें ढूंढने का कोड होगा, यानी उस नंबर को हम ढूंढेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे डिम जैसे आई एज लॉन्ग फॉर आई बराबर, अब आई बराबर कहाँ से ढूंढना है, हमने शीट 1 की 6 नंबर रो से शुरू करना है। तो 6 2 शीट 1 की रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, यानी आखिरी रो तक 6 नंबर से, जो भी आखिरी बैटरी 7 8 9 10। अब हम यहाँ लिखेंगे इफ शीट 1 डॉट सेल्स, रो नंबर हो गई हमारी आई, आई जो है वो 6 7 8 9 10 11 आगे तक चलता रहेगा, कॉमा ए कॉलम डॉट वैल्यू बराबर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट देन। अच्छा, अगर ये इसके बराबर है, यानी आई और ए में जब भी ये मैच करता है टेक्स्ट बॉक्स 1 को, देन डी 1 डॉट टेक्स्ट बराबर शीट 1 डॉट सेल्स आई कोमा 1 डॉट वैल्यू। अब इसको भी हमने इसको भी 16 टाइम ले लेना। अच्छा, इसके बाद इसको कर देता है एंड इफ नेक्स्ट, नेक्स्ट ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट का मतलब होता है कि जो 4 हमने i6 से शुरू किया है, तो पहले ये 6 को करेगा, नेक्स्ट फिर 7 को, फिर 8 को, जहाँ तक उसका लास्ट बैठेगा। अब हमें फ़ोटो भी लेके आना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इमेज 1 डॉट पिक्चर बराबर लोड पिक्चर। अब हम लोड पिक्चर कहाँ से करेंगे, सी ड्राइव में से फ़ोटो के फोल्डर के अंदर से एंड डी 1 डॉट टेक्स्ट एंड डॉट jpg। ये फ़ोटो हमारा इसमें गया। अब हम देखते हैं, पहले फ़ोटो हमने वहाँ पे 2 नंबर का सेव किया ही था, तो अब हम यहाँ से सेलेक्ट करके 2 नंबर जैसे ही एडिट करेंगे तो वो फ़ोटो यहाँ आ जाएगा। अब फ़ोटो फिट नहीं आ रहा इसमें, तो यहाँ पे ले लेंगे इमेज 1 डॉट पिक्चर साइज मोड बराबर 1। तो अब हम 2 नंबर को जैसे ही एडिट करेंगे वो पिक्चर साइज मोड एकदम ओके आ जाएगा। अगर हम इसको 1 नंबर पे एडिट करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर दे देगा, क्योंकि 1 नंबर की है ही नहीं वो। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट,
अब आप देखेंगे सर्च वन सर्च टू, सर्च वन सर्च टू। अभी हम चाह रहे हैं कि ये फोटो पहले क्लियर हो जाए, तो हम इससे पहले ये लिख देंगे इमेज वन डॉट पिक्चर बराबर लोड पिक्चर कुछ नहीं। अच्छा, अब कई बार हम एडिट तो करते हैं, एडिट करने के बाद उसको अपडेट भी करना है, तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट में हम इसी उस बटन पे ही बना सकते हैं कि भाई अपडेट हो जाए, या फिर नया बटन बना सकते हैं। फिलहाल हम इसी में बना लेते हैं। इसी में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें जो हमने लास्ट रो दिया है, लास्ट रो को हमें में कंडीशन लगानी पड़ेगी। हमें कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, जैसे हमने लिखा कि हमने इसको ऐसे किया कि पहले हम जैसे ही एडिट करें तो इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लिया हमने डी वन बराबर टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, डी वन डॉट वैल्यू या डॉट टेक्स्ट बराबर टेक्स्ट बॉक्स वन बराबर टेक्स्ट। तो उसमें क्या होगा, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये वाला भी वही बन जाएगा पहला काम। अगर हम यहाँ पे चार कर दिया तो यहाँ पे चार हो जाएगा। अच्छा, तो एडिट हो गया उससे। अब हमने लास्ट रो का मतलब ये दे दिया, पहले हम क्या करेंगे, इफ वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ ब्रैकेट। काउंट इफ फॉर्मूला क्या होता है, वो हम इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ से जब हम काउंट करें, जैसे हमने वन नंबर है यहाँ पे, हमें देखना वन नंबर यहाँ मौजूद है या नहीं, तो बराबर काउंट इफ ब्रैकेट इस रेंज में कोमा ये वाला, तो उसने बताया एक बार आया है, तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। काउंट इफ बराबर शीट वन या शीट के जगह डब्ल्यू शीट की रेंज ए 6 से लेके ए 10,48,576 ये रो होती हैं, कोमा डी वन डॉट टेक्स्ट मोर देन 0 देन। हमने ये लगाया यदि ये वाले फॉर्मूले का यानी एक 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब पहले से मौजूद है। अगर डी वन में जो वैल्यू लिखी वो 0 से ज़्यादा तो पहले से मौजूद है। देन हमने यहाँ पे लिख लिया लास्ट रो के लिए, हम ले लेते हैं देन लास्ट रो, देन लास्ट रो बराबर वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच। अब मैच का फॉर्मूला यूज़ होगा, मैच का कैसे करते हैं, हमने जैसे वन लिया, हमने यहाँ से किया मैच लुकअप वैल्यू ये कोमा पूरे कॉलम में कोमा 0, तो ये बता देगा छठे नंबर पे है वन, तो बस यही फॉर्मूला हमें वहाँ अप्लाई करना है मैच। अब हमने लुकअप वैल्यू डी वन डॉट टेक्स्ट, लेकिन जब डी वन के लिए हम सी एल एन जी लेंगे हम, तो हमने कंडीशन ये लगाई यदि यहाँ पे एक से बड़ा है यानी पहले से मौजूद है तो लास्ट रो ये हो जाए, एल्स, एल्स का मतलब है लास्ट से बड़ा नहीं है यानी डी वन पहले से मौजूद नहीं है तो लास्ट रो यही रहे जो हमने दी थी। तो अभी आप देखेंगे इसमें हम कोड ये लगा देंगे यहाँ पर भी, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अभी हमने यहाँ सर्च एडिट किया, इसका हमने फोटो ये ले लिया और इसको ऐड सेव कर दिया तो वो सेव हो गया। अब हम ये सर्च करेंगे ये नंबर आ गया, तो ये अपडेट भी हो रहा है सर्च भी हो रहा है। अभी सर्च में कई बार ऐसा होता है जैसे सर्च हमने करना यहीं से है, अगर हम यहाँ मैनुअल नंबर लिख के सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे डेटा को नहीं दिखाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें क्लिक करेंगे और इसमें एक ऑप्शन होगा लॉक, इसको हम ट्रू कर लेंगे। अब आप यहाँ पे लिख नहीं सकते तो उसमें गलती की गुंजाइश कम रहेगी। अब हम इसको
ऐड सेव करेंगे वो सेव हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही एडिट करके जावेद आलम मैनेजर एक एक की जगह हमने इसको कर लिया 15/5/2021। तो अब हम इसको ऐड सेव करेंगे, वही डेट आ जाएगी। तो जो हम इसको ऐड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रिसेट एडिट भी कर सकते हैं। तो ये यूज़र फॉर्म है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो अगर आप हमारी देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपको देते रहते हैं।